आप सभी का स्वागत है डीके वंदना के न्यू ब्लॉग पे। आई होप कि आप सब अच्छे और मस्त होंगे। तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी, जिससे हर कोई परेशान था कि बारिश कब होगी, बारिश कब होगी। तो आज हमारे रूम पर लाइट भी कट गई थी, जो कि एक दो घंटे बाद आई है। और ऐसी गर्मी में अगर लाइट कट जाती है तो बहुत गुस्सा आता है। फिर याद आता है कि इन्वर्टर होता तो थोड़ा बहुत तो राहत मिलता। और ऋषभ काफ़ी ज़िद करने लगा कि मैं जा रहा हूँ कोमल मामी के घर पे। तो मैं बोला कि चलो देख लो और नहा वहा लो, अगर लाइट नहीं आएगी तो चले जाना। और जैसे ही मैं ड्यूटी के लिए निकला, वैसे ही थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। और मैं आया था बुराड़ी, तो बुराड़ी में आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, लग रहा होगा कि बारिश हो रहा है। और बारिश हो रही आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है। तो एक बार बैक कैमरा करके आप लोगों को भी दिखा देते हैं। तो ये है संत नगर बुराड़ी और झमाझम बारिश हो रहा है। और मैंने घर पे फ़ोन किया था तो बोली कि यहाँ बारिश नहीं हो रहा है। और ऋषभ बोला कि यहाँ मौसम बना है लेकिन बारिश नहीं हो रहा है। तो देख सकते हैं सब लोग बारिश का मज़ा ले रहे हैं। और ऐसे ही दिन याद आते हैं कि भाई बारिश हो, और अब बारिश में हम भी खूब नहाए और बहुत ही अच्छा लगता है। एसी भी काफ़ी अच्छी कूलिंग करने लगती है, एक पर चल रहा है देख सकते हैं, और बहुत अच्छा कूलिंग कर रहा है क्योंकि बारिश हो रहा है। ठंडा तो वैसे ही मौसम हो गया है। और मैं जा रहा हूँ कस्टमर को पिकअप करने के लिए। तो ऐसे बरसात में चलाने का तो मन नहीं करता क्योंकि जगह जगह बारिश भर जाता है। तो आप लोग भी दिल्ली का खूबसूरत नज़ारा, जो लोग बुराड़ी में रहते हैं बुराड़ी का देख सकते हैं माहौल। तो बुराड़ी में केस हुआ था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो वो वेब सीरीज़ देख सकते हैं, बुराड़ी द हिस्ट्री ऐसे करके कुछ वेब सीरीज है। और काफ़ी हॉरर मूवी है, सीरीज है, आप लोग देखिए। और मैंने तो अभी नहीं देखा, मैंने भी नाम सुना है। जब वो दुर्घटना हुई थी मैं यहाँ पे था और इसी रोड से गुजर रहा था, मैंने देखा भी था। चलिए मिलते हैं, क्योंकि मैं कार चला रहा हूँ, ज़्यादा आप लोगों से बातें नहीं कर सकता हूँ। तो मिलते हैं कुछ देर बाद। तो घड़ी में 9 बज चुके हैं और मैं घर पर पहुंच चुका हूं काम से आने के बाद। कार्तिक क्या देख रहे हो? बुध और बद्री। तो यहां कार्तिक देख रहे हैं बुध और बद्री ना? तो कार्तिक बुध और बद्री देख रहे हैं और ऋषभ जो है यहां पे देख सकते हैं पढ़ाई और लिखाई कर रहे हैं ना। ऋषभ थक गए क्या? तो सोनाक्षी कर चुका हूं। तबीयत कैसा है? सुनो पापा, 2 पेज कर चुका हूँ। 2 पेज कर लिए? 10 पेज का ये। अच्छा ठीक है। और इनकी मम्मी गई है इनका ब्लड रिपोर्ट लेने। कब गई है? यानी डॉक्टर साहब से बातें कर रही होंगी। चलिए वीडियो बनाने मिलते हैं। बताते हैं तो रिपोर्ट लेके आ गई है। डॉक्टर बोली है अभी तो वायरल वाला चल रहा है, रिपोर्ट नॉर्मल है लेकिन वायरल का लक्षण है ना। सुनो लेकिन अभी क्या बोलते हैं, अगर बुखार 5 दिन जब भी ब्लड टेस्ट कराओ तो 5 दिन बाद चेक कराओ। अभी तो ये रिपोर्ट नॉर्मल है, दवा दी है, अगर दवा से नहीं आराम होता है तो 2-3 दिन बाद फिर अरे ब्लड टेस्ट होगा। तब क्यों करवा ली फिर होगा? अगर दवा दी है अरे तुम लोग तो हड़बड़ा जाती हो, किसी चीज के लिए मना करो तो समझ नहीं आता। क्या फायदा हुआ ब्लड टेस्ट करवाने का? फिर होगा? नहीं दवा दी है, दवा से नहीं आराम होगा तब 3 दिन बाद होगा। आराम तो है, ठंडी नहीं लग रही ना, उल्टी बोले उल्टी नहीं हो रही। ठंडा पानी होनी मत पीना, इसको आरएस दो और वो नींबू पानी होनी दो पीने के लिए, और ग्लूकोन डी दो, और ठंडा पानी बिल्कुल मत पीना। रोज दवाई खाओ, बारे ऋषभ वाह खूब मेहनत कर रहे हो। कैसे लेटिंग है? लेकिन ये गलत है। कहां सुदाक्षी नहीं सोन? तो चलिए कुछ खाने की व्यवस्था करते हैं। कार्तिक क्या खाओगे? दूधिना और बढ़िया चीज खिलाई दे। कान देखे तुम्हारा, कान में कीचड़ कचड़ा है क्या?
हाँ तुम्हारे कान में कीचड़ है, भरा है, दवा डाल दे इसे कान में, तो दवा डाल दे। हमारे परिवार में कोई बीमार होता है ना, सोच सोच के भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान सबको दुख हमको दे दो, लास्ट में पड़ ही जाते हैं। हमको ना कोई बीमार आदमी हमसे देखा नहीं जाता है। बीमार सही कह रहे, मेरे को बहुत तकलीफ होती है कोई बीमार होता है। इसमें तकलीफ वाली क्या बात है, इंसान है बीमार तो पड़ेगा ही, हमेशा थोड़ी सुख दुख में जाओगी। चाहते कोई दुनिया में कोई बीमार ना पड़े। तो डॉक्टर बन गई होती तुम? मैं चाहती कोई ना बीमार पड़े, सच में बीमारी से मुझे ना नफरत है। नफरत नहीं, बीमारी कभी कभी एकदम सीरियस केस हो जाता है, फिर बहुत दुखी होता है। कार्तिक और ऋषभ में देखो पढ़ता नहीं है, ऋषभ अभी इन सबको दूध और क्या खाए थे, क्या दिए थे? दी थी ना, कह रही हूँ हाँ तो खत्म करो ना, जब नहीं पीता उसको पिला के खत्म करो, अब नहीं आएगा। लाइट जानते हो कितने बजे आया था? 1 बजे आया था। हट, हम जब जा रहे थे तभी लाइट आया था। हट, 1 बजे का घर दिख रहा है। तुम बोल दो 3 बजे। उन 3 बजे काम पापा देखो का घर नहीं लग रहा, 12:15 बज रहा। क्या हुआ जी, कैसे हल्ला मचा रखी है? खुशखबरी है, खुशखबरी। काहे की खुशखबरी? भाई सुनने में आया है सेकंड भाई आने वाला है क्या ऋषभ का? नहीं, खुशखबरी क्या है, कोई जाना पहचाना इंसान जिनको सब लोग पसंद करते हैं बिग बॉस में गए हैं। आप लोगों को भी पता है, मुझे अभी पता चला, तो वही हमके बिग बॉस लगाओ भाई। तो यही है आपकी खुशखबरी का राज? यही खुशखबरी। कौन कौन आया है? पता नहीं भाई, कोई अपने ब्लॉग में शेयर नहीं किया तो हम क्यों बताऊँ ऐसे। बस जान गए कि 3-4 लोग गए हुए हैं और बिग बॉस पे देखेंगे किस पे आता है बिग बॉस। यही तो है, ग्रंथ में आई लाइट चल रहा है, लाइट चलता है क्या? ये सलमान खान का चलता था ना, चेंज हो जाते हैं, उससे क्या हुआ? अनिल कपूर आ गया, लगा लगाने बिग बॉस। तो यहाँ बिग बॉस में आ गई हैं शिवानी कुमारी और अरमान मलिक की दोनों पत्नी, अरमान मलिक पायल मलिक, कृतिका। तो अभी अभी मैंने रिचार्ज किया है और 29 का रिचार्ज उधर केवल शिवानी को देखने के लिए ना, जी अरमान मलिक और पायल मलिक को देखने के लिए। तो काफी बहुत खुशी का माहौल है क्योंकि जो शिवानी के फैन है, अरमान मलिक पायल मलिक कृतिका के, और जो हम लोगों के फैन है, हो सकता है कभी हम लोगों को, मुझे बहुत खुशी हो रही है कोई ब्लॉगर जा रहा है सच में। क्या बोलते हैं आजकल ब्लॉगर को ही उठाया जा रहा है, हर जगह पे देखो आपको ब्लॉगर को ही बुलाया जा रहा है क्योंकि उनकी जो सब्सक्राइबर होते हैं उनको काफी पसंद करते हैं, वो भी उनको हर जगह देखने की कोशिश करते हैं। नहीं आएगा तो जिसके वजह से बन्ना जी बोली फटाफट रिचार्ज करिए क्योंकि प्रीमियर में आता है, तो इसको मैंने तुरंत रिचार्ज किया और यहाँ पे हमारा आने लगा है। तो अगर आप भी अरमान मलिक पायल मलिक और कृतिका के शिवानी के फैन हैं तो फटाफट जाइए बिग बॉस पे देखिए, और हम लोग भी अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं सबको बाय बाय।